मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, तो इस जगह का नाम है लचिला पीक। यहाँ से कंचनजंगा की रेंज बहुत अच्छा दिखेगा आप लोगों को, मैं दिखाऊंगा। मेरे पीछे ही कंचनजंगा की रेंज है, तो आप यहाँ पे आइए। और कंचनजंगा के साथ साथ भी आप जुलुक सिल्क रूट, सिक्किम जो सिक्किम के जो सिल्क रूट है वो भी आप देख सकते हैं, और साथ भी पाकियांग सिक्किम का जो एयरपोर्ट है, पाकियांग एयरपोर्ट भी देख सकते हैं। और उधर रिशप टाउन आपको दिखेगा, इधर दिखाओ, इधर लावा भी आपको दिखाएगा। उधर राबांगला है और उधर दार्जिलिंग सिटी टाउन, कालिम्पोंग, और यहाँ से सब कुछ आपको दिखने का मिल जाएगा। और आप आइए, और ये रास्ता हो जाए जो आप बाइक लेके मत आइए। आपके पास ऑफ रोडिंग का बाइक है हिमालयन टाइगर, तो आप आइए, नहीं तो आपको यहाँ से लोकल से कार बुक करना है, तो आप कार से आप आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बाय। तो कल रात को जिस होमस्टे पर रुका था हम लोग, उस होमस्टे का ओनर के लड़की एंड वाइफ है। बहुत ही अच्छा रूम सर्विस मिला है इन लोगों की वजह से, तो उन लोगों के लिए मेरे तरफ से दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। क्योंकि कल हमको लावा पहुँचते कल रात 9 के आसपास बज गया था, और यहाँ पे 9 बजने का मतलब आप समझ सकते हो ना भाई साहब। हाँ, और ये देखो हम आ गए हूँ लावा मॉनेस्ट्री के सामने, और ये है लावा की फेमस मॉनेस्ट्री। जैसे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अभी कोरोना के वजह से बंद है, तो क्या करें, हम तो एंटर नहीं कर सकते। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ओ भाई व्यू देखो, इस ट्रिप का पैसा वसूल हो रही है गाइस। और आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहा हूँ रिशप पे, और ब्यूटीफुल व्यू की बात मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। मेरा चैनल पे जो भाई नया आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो उन लोगों के लिए लॉट्स ऑफ लव। तो कल बहुत ही टाइट होने के कारण व्लॉग नहीं कर पाया, और कल डिनर में हमने ऑर्डर किया था रोटी, चिकन करी, दाल एंड अंडे की ऑमलेट। खाना बहुत ही अच्छा था, और बिहेवियर की बात एकदम कमाल है इन लोगों का। लावा में आके यहाँ पे आप चाहे तो स्टे कर सकते हो। ओह गाइस, मैं तो आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना ही भूल गया। पॉइंट नंबर एक है कि हमको रूम मिला था 800 रुपये में सिर्फ रात को स्टे करने के लिए। अगर पूरा दिन होता तो हमको प्रॉफिट होता। याराना होमस्टे नाम है यहाँ, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है कि आपने देखा है ना वीडियो का शुरुआत में लचिला पीक, तो अनएक्सप्लोर्ड प्लेस यूट्यूब में भी वीडियो नहीं है बोल सकते हो। और हम ही है फर्स्ट यूट्यूबर एंड बाइकर जो लचिला पीक को एक्सप्लोर किया है। तो लचिला पीक जाने के लिए आपको लावा से जाना होगा। अगर आप फैमिली ट्रिप या फ्रेंड लोगों के साथ आ रहे हो तो जिस होटल पे स्टे करेंगे होटल ओनर को बताओ, वो आपको मैनेज कर देंगे। बाइक या कार में आते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग में पहुंचने का कोशिश करो, ताकि आपको व्यू अच्छा मिले। और अभी हम पहुंच गए हों, छोटा सा एक विलेज तो लग रहा है गाइस, छोटा सा विलेज। हाँ, छोटा विलेज।
क्या लग रहा है गाइस, इस रोड को मस्त लग रहा है गाइस, सच में यार क्या लग रहा है। देखो भाई साहब क्या लैंडस्केप है। तो मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब मैं हर मोड़ घूम रहा हूँ ना गाइस, तभी हर मोड़ में एक ब्यूटीफुल सीनरी एंड साथ में व्यू देखने को मिल रहा है। यही होता है पहाड़ों का, सॉरी पहाड़ों में आने का मज़ा। और ओहो गाइस इधर देखो, पूरा क्रिस्टल क्लियर स्काई है और सिर्फ एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, तो ऑसम लग रहा है गाइस इस लैंडस्केप को। और कितना क्लीन है ये जगह देख सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए, पहाड़ों में जाके ऐसे जगह को एटलीस्ट गंदे मत करो यार, डस्टबिन यूज़ करो, नहीं तो स्पेसिफिक जगह में फेंको। और गाइस यहाँ से शुरू हो चुकी है ऑफ रोडिंग, मतलब मुझे और भी कंसंट्रेशन देना होगा, नहीं तो टायर स्किड कर सकते हैं। तो मजा लो छोटा सा ऑफ रोडिंग का, और मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ ऋषभ की तरफ। और यहाँ पे रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है जैसा आप देख सकते हो, बहुत ही बुरा है रोड का कंडीशन एंड साथ में मिट्टी और डस्ट, तो आप समझ सकते हो ना गाइस। तो दोस्तों हम पहुंच गए हूँ ऋषभ पर, अभी हम बाइक पार्क करके रूम में जाके आपको दिखाऊंगा कैसा है आज का हमारा रूम, और फ्रेश होके लंच करके आप लोग के साथ मिलता हूँ डायरेक्ट मेरा रूम में।